हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह आप लोगों का 24 मई 2020 को स्वागत करती हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज 24 मई को क्या क्या घटनाएं घटी हैं, राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, खेलकूद, अर्थव्यवस्था, सब चीज़ों के घटनाक्रम आज हम देखेंगे आज के अपने वीडियोज़ में। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। बट आपको एक वही वापस से मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि हम लोगों की मेंस की सीरीज़ शुरू हो चुकी है, तो आप लोग मेरे चैनल पर जाके वो सीरीज़ देख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 24 मई 2020 का करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, नासा अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने किस महाद्वीप पर एंटीना की मदद से अंतरिक्ष में दूसरे ब्रह्मांड की खोज की है? तो एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप से खोज की है। नासा के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका महाद्वीप पर एंटीना की मदद से अंतरिक्ष में एक दूसरे ब्रह्मांड की खोज की है। विशाल बैलून की सहायता से एंटीना को महाद्वीप की ऊंचाई तक पहुंचाकर इस दूसरे ब्रह्मांड की खोज की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सरकार ने किस देश के शरणार्थियों के लिए आर्थिक मदद देने की घोषणा की है? पाकिस्तान, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिलिस्तीन। ये फिलिस्तीन यहाँ पे लिखा जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए। इसका एक्सप्लेनेशन है कि भारत सरकार ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को 2 मिलियन डॉलर की सहायता भी करेगी इसके लिए। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 मई को विश्वभर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जैसे कि हमने देखा था 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, 21 मई को चाय दिवस मनाया जाता है, तो ऐसे ही 23 मई को हमारा मनाया जाता है विश्व कछुआ दिवस। तो ये छोटे छोटे दिवस है, बाई चांस आपके एग्जाम में ये पूछे ही जा सकते हैं, इसलिए मैंने इसे कराना ज़रूरी समझा। तो चलिए इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन। विश्व भर में ये कछुओं के संरक्षण की ओर लोगों को आकर्षित करने एवं प्रयासों को प्रोत्साहन देने के लिए ये 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। और सबसे ज़्यादा कछुआ भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो उड़ीसा के तट पर सबसे ज़्यादा कछुआ पाए जाते हैं, गहीरमाथा जो तट है वहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 25 मई से घरेलू उड़ानों का दोबारा शुरू करने के लिए किसने मानक परिचालन जारी किया? मानक परिचालन का यहाँ मतलब है कि नियम प्रक्रिया क्या होगी, वो कौन जारी करेगा? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, केंद्र सरकार, नीति आयोग या योजना आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जो है नियम कानून ये सब जारी करेगा। इसमें इसने कहा है एक जैसे इसके नियम है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य नहीं है, इसका एक नियम यहाँ पे ये भी इसने रखा है। ऐसे ही बहुत सारे नियम कानून इसने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 मई से किस देश के फुटबॉल महासंघ ने महिला फुटबॉल लीग शुरू करने की घोषणा की है? इस महामारी के बीच भी किसने घोषणा की है? तो ये घोषणा की है जर्मनी के द्वारा। जर्मनी ने 29 मई से फुटबॉल महासंघ ने महिला फुटबॉल लीग को शुरू करने की घोषणा की है। जर्मन के क्लब अधिकारियों ने बैठक के में पहले ही सत्र दोबारा शुरू करने के पक्ष में मतदान दिया था। लीग शुरू करने के पक्ष में 12 में से 11 टीमों ने मतदान दिया था, तो इसलिए ये जर्मनी में पहली लीग शुरू हो रही है जो महामारी के बीच शुरू होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे UGC भी कहते हैं ने विश्वविद्यालयों को क्रेडिट ट्रांसफ़र करने के लिए किस पोर्टल के ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का उपयोग करने का निर्देश दिया है? तो यह है स्वयं, तरंग, उमंग या परिश्रम। तो इसका करेक्ट आंसर है स्वयं पोर्टल। UGC ने हाल ही में विश्वविद्यालय और कॉलेजों के क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए मानव संसाधन और विकास मंत्रालय स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध व्यापक ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम का उपयोग करने का निर्देश दिया है। UGC ने पोर्टल पर उपलब्ध 82 अंडर ग्रेजुएट और 42 स्नातकोत्तर गैर इंजीनियरिंग मैसिव ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम की एक सूची भी जारी की है। ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रम के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क पर UGC के हालिया नियमों के अनुसार छात्र
मैसिव ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम के लिए नामांकन कर सकते हैं और जुलाई 2020 से क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ग्रेजुएशन जो करने वाले हैं या अंडर ग्रेजुएशन में हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश में ने हाल ही में अपना ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है? ओपन स्काई संधि है देशों के बीच, तो उससे अलग होने की घोषणा की है हमारे अमेरिका ने। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो अमेरिका ने हाल ही में घोषणा की है कि वह ओपन स्काई संधि से अलग हो जाएगा। 35 देशों की ये संधि सदस्यों के देशों पर निहत्थे निगरानी उड़ानों की अनुमति देती है। अमेरिकी प्रशासन ने यह भी रेखांकित किया कि रूस ने संधि की शर्तों का बार बार उल्लंघन भी किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए यूनिसेफ ने किसके साथ भागीदारी की है? तो यूनिसेफ ने भागीदारी की है एयरटेल अफ्रीका के साथ। यूनिसेफ ने एयरटेल अफ्रीका के साथ यहाँ भागीदारी की है कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए। इस साझेदारी में उप सहारा अफ्रीका के निम्न 13 देश जाम्बिया, कॉन्गो, नाइजीरिया, गैबान, केनिया, मेडागास्कर, मलावी, नाइजर, रवांडा, तंजानिया, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और चाड देश के बच्चों और परिवारों को यहाँ पर लाभ मिलेगा। वर्तमान में एयरटेल अफ्रीका के सीईओ रघुनाथ मांडा और यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हेनरिटा एच फोर है। तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो किस राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ हुआ है? तो ये इम्पोर्टेंट खबर है। तो ये है छत्तीसगढ़ राज्य में इस योजना का आरम्भ हुआ है। इस योजना का जो लक्ष्य है वो कोविड-19 महामारी के बीच राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है और इस योजना का प्रावधान 2020-21 के बजट में किया गया है। इस योजना से 1.87 मिलियन से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। वर्तमान में हमारे जो छत्तीसगढ़ है उसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, ये भी आप याद रखेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। यूपी स्टार्टअप फाउंड की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो यूपी से आपको पता चल ही गया होगा कि ये की गई है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे सिडबी भी कहा जाता है, इसने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ और इनके राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने किस मंदिर को सोलराइज करने की योजना शुरू की है? मतलब कि सन सिटी बनाने की योजना की है। तो सन सिटी है कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि किस स्थान को की है, तो यह कोणार्क स्थान आएगा। और कोणार्क का सूर्य मंदिर अगर बात करें तो कोणार्क का सूर्य मंदिर आएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है। तो केंद्र सरकार ने उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को सोलराइज करने की योजना शुरू की है। कोणार्क के ऐतिहासिक सूर्य मंदिर शहर को सूर्य नगरी विकसित करने के लिए योजना शुरू की गई। इस परियोजना में केंद्र सरकार 25 करोड़ रुपए देगी। वर्तमान में उड़ीसा राज्य है उसके मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। तो आज के करंट अफेयर यहीं ख़त्म होते हैं। आप लोगों के वीडियो सीरीज कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी लेक्चर देखने के लिए मेरे चैनल पे जरूर विजिट कीजिएगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।